कुमकुम भाग्य के आज कैप्चर मेरा हाउस में तनु की माँ आलिया से कहती है कि तुम जाकर देखो कि मिताली अभी तक तनु को नीचे क्यों नहीं लेकर आई। आलिया सोचती है कि मिताली इतनी लेट कैसी होगी। इतने में मिताली दादी के रूम में होती है और वो तनु को घूंघट उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो तनु का नेकलेस देखना चाहती है। दादी पूरब उसकी उसको बातों में लगाते हैं और बातों में लगाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरा प्रज्ञा अपना फेस घूंघट में छुपा ली थी ताकि मिताली उसे पहचान सके। मिताली उसे नीचे लेकर जा रही होती है। इतने में आलिया तनु के रूम में तनु को ढूंढ रही होती है। इतने में उसे मिताली की आवाज़ आती है तो वो बाहर आती है। वो मिताली पर गुस्सा करती है और कहती है कि आप इतना लेट कैसे हो गई, आप अभी तक मंडप में नहीं पहुंची। इतने में अभी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रहा होता है दादी से बात करने के लिए। वो काफी कंफ्यूज और गुस्से में होता है। आलिया डर जाती है और सोचती है कि लगता है अभी ने अपना प्लान बदल लिया और अब वो तनु से शादी नहीं करेगा। प्रज्ञा भी डर जाती है और सोचती है कि ऐसा ना कभी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। आलिया जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो तनु उर्फ प्रज्ञा पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने तैयार होने में इतना देर लगा दी कि अभी अभी शादी कैंसिल करने वाला है। आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आपकी बेटी की शादी कैंसिल हो सकती है। आलिया तनु की माँ से कहती है आप शो ऑफ करने से बेटर है कि आप अपनी बेटी की शादी पर ध्यान दें, कहीं उसकी शादी कैंसिल ना हो जाए। लेकिन तनु की माँ आलिया को स्कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अभी और प्रज्ञा को कंट्रोल में रखना। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए स्टीव फॉर डेली कुमकुम भाग्य न्यूज़ एंड अपडेट।